फोटो खींचते हैं ना अपन यार। यार बोले था अभी के। तो गाइस बारात आ चुकी है, हम लोग बारात का वेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन करवाया टीने अंकल ने आज। मतलब मेघा की जो जो ख्वाहिश थी वो सब पूरी होने वाली है, देख सकते हैं डेकोरेशन बहुत अच्छा है। और बारात आ चुकी है हम लोग बस, और ये इधर देखो मम्मा, ये है मम्मा, ये है भाभी साहब, इतने सुंदर लग रहे दोनों। और हम जल्दी मिलवाते हैं आपको ब्राइड से भी मिलवाएंगे, सभी से मिलवाऊंगी धीरे धीरे। बहुत प्यारा गार्डन है ये, वो है मंडप, वहाँ फेरे होंगे, यहाँ पे आई थिंक वरमाला होगी। इस बारात आने वाली आ चुकी है और अब उनकी जो सामने लेते हैं उसकी तैयारी चल रही है। और मेरे पैर दुख चुके हैं खड़े खड़े, जल्दी से आ जाए अंदर। मैं और भाभी से आके बैठ गए, हमारे पैर दुख गए। देख लिया, अब हम कुछ खाएंगे, बहुत जोर से भूख लगी है कब से। है लेकिन कई चीजें डिफरेंट है। आज मैं खाऊंगा।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मुमल राठौर व्लॉग्स में। और गाइस, मेरे आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से। मतलब अभी मैं पियर हूँ, बट आज मुझे निकलना है ससुराल के लिए, क्योंकि आज कल था बुधवार, तो बुधवार को मैं गई नहीं थी। आज है गुरुवार, गुरुवार को ससुराल जा सकते हैं। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, अभी भी है ख़राब, पर ठीक है, इतना तो चलता है। और आप सबको पता है सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी की जो हत्या हुई है, उसको लेके राजस्थान भी थोड़ा बहुत बंद था, तो इस वजह से भी कल मैं नहीं गई थी। आज मैं जाने वाली हूँ, तो करेंगे पैकिंग वगैरह। और रात जिस शादी में मैं आई थी, तो आंटी जी रात को सीख वगैरह मुझे देके जा चुके हैं रात को ही, तो उन्हें पता था आज ही जाने वाली है, तो आज मैं निकलूँगी। और सारे मेरी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, फाइनली जाना तो पड़ेगा ससुराल, तो आखिरकार घर तो वही है। बट पैकिंग मैंने रात को नहीं की थी, क्योंकि यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। मैंने 2 दिन ब्लॉगिंग भी नहीं की है, तो ये जो आप ब्लॉग्स देख रहे हैं, ये मेहंदी और उसके मतलब संगीत वगैरह के पुराने ब्लॉग्स हैं। तो 2 दिन मैंने ब्लॉगिंग ड्रॉप कर दी थी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी भी तबीयत ख़राब है, बट अभी चलने लायक मैं अब हुई हूँ, खड़ी होने लायक अब हुई हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और आप सबको पता है, बैक टू बैक शादी आई है मेरे, पहले ससुराल में मैं 10 दिन स्पेंड करके आई, वहाँ से आते ही मैं बीमार तो हो चुकी थी, बट बीमार के साथ ही मैं पीहर आ गई थी, तो वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट कर गया। और आपको पता है, इस पीहर वाली शादी में मैं बिना स्वेटर, हम लोग गार्डन भी गए, यहाँ पर थोड़ा खुले एरिया में घूमना पड़ता है, तो ज़्यादा बीमार हो गई, कोल्ड वगैरह फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। बट फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, और अभी मैं फाइनली थोड़ी ठीक हूँ। खांसी वगैरह है, जुखाम है, अभी भी गला ख़राब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बट ये सब दवाई लेने के साथ ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मुझे आंटी जी ने सीख में क्या दिया। चलिए तो भाई, इसमें से ससुराल आ चुकी हूँ, और अभी मैं बना रही हूँ चाय। जीजा वगैरह आए हुए हैं, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। और आज बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, हेडेक हो रहा है भयंकर। कैसे दुबक के बैठा है, खुजली खुजली करने का नाम लेते ही इसे बैठ जाता है पसर के। गाइस, ये हमारा न्यू फैमिली मेंबर। मैं जब यहाँ घर आई थी, तो इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, लेकिन मैं कोई सरप्राइज नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ पैट लवर। यस, आई एम नॉट अ पैट लवर। मुझे पसंद नहीं है घर में कोई सा भी जानवर हो जाए। भाई देखना कैसे नीचे कूदेगा। बेला बेला, एक दिन